हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम फायर सेफ्टी ऑनलाइन क्लासेस में। यहाँ पर सेफ्टी से रिगार्डिंग बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। तो वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें अगर वीडियो आपको पसंद आए। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है कॉजेस टू द एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट के कारण। ठीक है, हमने 5 ES मेथड जाना था, एक्सीडेंट कंट्रोल मेथड। आज कॉस्ट भी हम एक्सीडेंट के टाइप भी जान लिए हैं, डेफिनेशन भी जान लिए हैं। ये सारे कंटेंट आपको पिछले वीडियो में मिल जाएंगे। आज जो मेरा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एकदम कुछ हटके है। और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जब इंटरव्यू में कभी क्वालिफाई करना होता है या हम इंटरव्यू में जवाब देते हैं तो वो शायद सफिशियंट नहीं होते हैं और हम लोगों को लगता है कि हमारा हमने बताया तब भी नहीं हो, वो पूछ कुछ और रहा है, आप बता कुछ और रहे हो। तो यहाँ पे अगर आपको सही से सेफ्टी के लिए प्रिपरेशन करनी है तो आप एक एक वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको बहुत डीपली कंटेंट मिलेगा। आज मेरा जो टॉपिक है कॉजेज ऑफ द एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट के जो कॉजेज हैं, कॉजेज टू द एक्सीडेंट वो क्या क्या है। आपसे पूछा जाता है कि एक्सीडेंट के कारण क्या है तो आप कह देते हो अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन, दैट फिनिश्ड। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ उसके अलावा भी और भी कॉस्ट है। तो आइए हम यहाँ पे कॉजेज हैं, यहाँ पे हम जानते हैं कि कॉजेज टू द एक्सीडेंट कितने टाइप के हैं। तो कॉजेज टू द एक्सीडेंट कितने टाइप के हैं, दो प्रकार के, इमीडिएट कॉजेज और कंट्रीब्यूटरी कॉजेज। कितने टाइप के हैं, दो टाइप, इमीडिएट एंड कंट्रीब्यूटरी। इमीडिएट कॉजेज क्या होते हैं, इमीडिएट कॉजेज में हमारे दो कॉजेज आते हैं जो आप वो कहते हो अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन, वो क्या है, हमारे इमीडिएट कॉजेज के दो टाइप हैं। या इमीडिएट कॉजेज आर द डायरेक्ट कॉजेज ऑफ द एक्सीडेंट विच आर ड्यू टू ईदर अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन और बोथ। यानी इमीडिएट कॉजेज क्या है, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन, या फिर ये दोनों, ये क्या है, डायरेक्ट कॉजेज है। किसी भी एक्सीडेंट के डायरेक्ट कॉजेज होते हैं जो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन या फिर दोनों के एक साथ होने से क्या होते हैं, घटित होते हैं। यानी इमीडिएट कॉजेज में क्या क्या है, दो पार्ट, अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन। अब अगर कोई आपसे पूछता है कॉजेज ऑफ कॉजेज टू द एक्सीडेंट कितने टाइप के हैं तो आप लोग कितने टाइप के बताओगे, कितने टाइप के बताओगे, इमीडिएट कॉजेज एंड कंट्रीब्यूटरी कॉजेज। अब हमने पहला इमीडिएट में कितने टाइप जाने, दो, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन या फिर दोनों एक साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें जानते हैं कंट्रीब्यूटरी कॉजेज। कंट्रीब्यूटरी कॉजेज क्या होता है, नीचे नीचे कंप्यूटर जी इसको नीचे करिए, कंट्रीब्यूटरी कॉजेज ऊपर लाइए, इसको ऊपर लाइए, ये ठीक है। कंट्रीब्यूटरी, बस कंट्रीब्यूटरी कॉजेस ऑफ द एक्सीडेंट विच आर कॉज्ड ड्यू टू मेंटल एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ द पर्सन, सुपरवाइजरी सेफ्टी परफॉर्मेंस एंड एनवायरमेंटल फोर्सेस। यानी कंट्रीब्यूटरी कॉजेस क्या है, अभी हमने इमीडिएट कॉजेस को जाना, दूसरा कंट्रीब्यूटरी कॉजेस। अब इमीडिएट कॉजेस में क्या क्या थे, अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन। कंट्रीब्यूटरी में क्या है, यानी वर्कर की या पाक जो पर्सन है उसकी फिजिकल और मेंटल कंडीशन। अभी मैंने एक आपको जब वीडियो में जाओगे टाइप ऑफ हजार्ड में तो मैंने वहां दो टाइप बताए हैं, एक बताया होगा एर्गोनॉमिक हजार्ड। एर्गोनॉमिक हजार्ड में मैंने बताया था ये ग्रीक भाषा का शब्द होता है जो एर्गो प्लस नोमो दो शब्द से मिला, यानी वर्क प्लस लॉ। यानी वर्कर की जब कैपेसिटी वर्क से नहीं मिलती है तो एक प्रकार का हजार्ड क्रिएट होता है। दूसरा वही हजार्ड में हम क्या कहते हैं, इसको हम कंट्रीब्यूटरी कॉजेज में रखते हैं। यानी कंट्रीब्यूटरी कॉजेज क्या है एक्सीडेंट के, विच आर कॉज्ड ड्यू टू मेंटल एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ द पर्सन और सुपरवाइजरी सेफ्टी परफॉर्मेंस और एंड एनवायरमेंटल फोर्सेस। यानी एनवायरमेंटल फोर्सेस के आधार पे कंट्री या फिर सेफ्टी परफॉर्मेंस, सुपरवाइजरी सेफ्टी परफॉर्मेंस या फिर वर्कर की फिजिकल और मेंटल हेल्थ की वजह से जो कॉजेस बनते हैं एक्सीडेंट के उनको हम क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूटरी कॉजेस कहते हैं। दो टाइप के हमारे कॉजेस, इमीडिएट और कंट्रीब्यूटरी, दोनों को जान लिए। आइए इनको कुछ शॉर्ट फॉर्म में, चार्ट के रूप में जानते हैं, आगे बढ़ते हैं और ऊपर और ऊपर और ऊपर, बस थोड़ा सा नीचे, बस यहाँ पे अभी हमने क्या बताया कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट में कितने टाइप के, दो, इमीडिएट एंड कंट्रीब्यूटरी। इमीडिएट में हमने क्या बताया, अभी यहाँ पे देखिए आप बहुत शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन।
अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन मैंने अभी अगली वीडियो में आपको चैनल पे अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन वीडियो के नाम से अभी कल परसों में एक वीडियो आ जाएगा कि अनसेफ एक्ट किसे कहते हैं, अनसेफ कंडीशन किसे कहते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट होता है और इसमें बहुत अच्छे से एक ऐसा फार्मूला है जो शायद आप कभी ना भूलेंगे। तो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन हमारे किस में आते हैं, इमीडिएट कॉजेज में। कंट्रीब्यूटरी कॉजेज में मैंने अभी क्या बताया, मेंटल हेल्थ अभी बताया, मेंटल हेल्थ डेफिनेशन में। दूसरा फिजिकल कंडीशन, तीसरा एनवायरमेंटल फोर्सेस, चौथा सुपरवाइजरी सेफ्टी परफॉर्मेंस, ठीक है। ये हमारे क्या थे, चार टाइप। यानी अभी हमने क्या बताया, इसको रोके रहिए, जैसा है वैसा रहने दीजिए। अभी हमने कॉजेस टू द एक्सीडेंट में दो जाने, पहला क्या था इमीडिएट कॉजेस, दूसरा क्या था कंट्रीब्यूटरी कॉजेस। इमीडिएट कॉजेस में दो थे, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। यानी अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन या फिर दोनों एक साथ हों तब जो कॉजेस बनते हैं वो इमीडिएट। कंट्रीब्यूटरी में हमने क्या बताया, एर्गोनॉमिक हजार्ड वाला कॉन्सेप्ट बताया, यानी वर्कर की फिजिकल मेंटल कैपेबिलिटी या फिर उसकी मेंटल हेल्थ की वजह से जो कॉजेस बनते हैं या फिर सेफ्टी सुपरवाइजरी सेफ्टी परफॉर्मेंस की वजह से जो बनते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कंट्रीब्यूटरी कॉजेस होते हैं। ये जो भी हम टॉपिक पढ़ाते हैं अगर इनकी आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मेल कर सकते हैं और वहां से आप पा सकते हैं, मैं जीमेल पे आपको सेंड कर सकता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलें। अभी मैंने आपको कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट बताए हैं, एक्सीडेंट का पूरा धीरे धीरे मैंने काफ़ी वीडियोस डाल दिए हैं और कई टॉपिक्स में इसको मैं डालता हुआ जा रहा हूँ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें कि आपको क्या लगा। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू क्लास।